नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। और ये चारपाई देख पा रहे दोस्तों, ये पर्टिकुलर्स मैंने ताना के बारे में पर्टिकुलर बता दिया था। ताना कैसे तानते हैं, माई कैसे गुथी जाती, इसके बारे में मैंने पर्टिकुलर प्लेलिस्ट भी बना दिया दोस्तों, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आज मैं आपको ये डिजाइन कैसे बनानी है वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, कि यहाँ से स्टार्टिंग कैसे करते हैं, यहाँ से किस प्रकार से घुंडी डालेंगे, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए दोस्तों, सीधे चार पाइप चलते हैं। यहाँ पे मैंने रस्सी बांध दी है, तो यदि दूसरी कलर की आप तो बांध दीजिए, या इसे रस्सी से जॉइंट भी कर सकते हैं। जॉइंट कैसे करना है उसके बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, तो वो आप हमारे चैनल पर चले जाइए और विजिट कीजिए, तो आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। सो सीधे चार पाइप चलते हैं। यहाँ पे देखिए, एक रस्सी मैंने दबा दी और ये तीन रस्सी मैंने उठाई दोस्तों, फिर यहाँ पे आपको एक रस्सी दबाई और तीन रस्सी ये उठा दिए, फिर आपको देखिए तीन रस्सी दबानी है और एक रस्सी ये उठानी है। सीक्वेंस ज़रूर आपको दोस्तों ध्यान रखना है। फिर यहाँ से आपको तीन दबानी है और एक रस्सी ये उठा देनी है, फिर वापस से आपको एक दबा देनी है दोस्तों और ये तीन रस्सी उठा देनी है, फिर एक दबाई और ये तीन रस्सी उठाइए, फिर यहाँ पे तीन दबाई और एक रस्सी ये उठाइए, फिर आपको तीन दबाई और एक रस्सी उठाइए, फिर एक दबाकर यहाँ दो बचती हैं तो दो रस्सी उठा लीजिए, अगर तीन है तो तीन उठा लीजिए। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला काम तो ये है कि यहाँ पे एक आटा आपको लगा देना है। एक बार हमने ले लिया है, फिर एक बार और लेंगे, दो बार आपको लेना है। फिर देखिए, ये आपको चैनदारी से मैच कर सकते हैं, तो यहाँ से चैन से मैच करवा देता हूँ मैं। किल्ली डाल के इसमें यहाँ से नीचे से रस्सी आप निकाल दें दोस्तों, देखो ये निकाल ली हमने रस्सी, और ये रस्सी वापस आप खींच लीजिए, तो ये यहाँ से किल्ली आप डल जाएगी, या फिर दोस्तों डायरेक्ट भी आप डाल सकते हैं, वो सभी आपको इसको स्क्रॉल कर दीजिए, इस प्रकार कर देते हैं। और यहाँ हम ये इसमें घुंडी ऑलरेडी है हमारे पास, तो यहाँ पर इसमें हम डाल देते हैं। ये आप देखेंगे दोस्तों तो सिंगल घुंडी की है, ये मैं आपको बता रहा हूँ सिंगल घुंडी की, क्योंकि डबल घुंडी में थोड़ा दिक्कत आती है। वैसे ही आप हमारे चैनल पे थोड़ा सा विजिट करेंगे तो आपको डबल घुंडी के बारे में भी मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए क्या करना है, अब ये सीक्वेंस आपको धीरे धीरे चेंज होता जाएगा दोस्तों। यहाँ पे एक उठाई, फिर ये तीन दबा दिए, सॉरी एक दबाई है, फिर यहाँ पर एक दबाएंगे, फिर ये आपको तीन रस्सी दबा कर उठाकर एक रस्सी ये दबानी है, और यहाँ पर दो रस्सी उठा लेनी दोस्तों, फिर यहाँ पे दो रस्सी उठाकर आपको ये दो दबाकर एक रस्सी उठानी है, फिर तीन दबाकर आपको एक रस्सी उठा लेनी दोस्तों। देखिए इसी सीक्वेंस का आपको ध्यान रखना है, तो दो दबाकर आपको एक रस्सी उठा ली है, फिर आपको तीन दबाकर एक रस्सी उठा लेनी दोस्तों, फिर यहाँ पे एक दबाकर एक रस्सी ये उठा लेनी, फिर यहाँ पे एक दबाकर आपको ये तीन रस्सी उठा लेनी दोस्तों। तो ये चीज़ आपको विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे तीन दबाकर आपको एक दबाकर ये तीन रस्सी उठा लेने दोस्तों। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, फिर आपको यहाँ पे तीन उठाकर एक दबानी, फिर आपको ये दो रस्सी उठाकर एक दो दबानी, फिर एक उठाकर तीन दबानी, फिर एक उठा एक दबा, एक उठा फिर एक दबा दी, फिर ये तीन रस्सी हैं, तीन रस्सी उठा देंगे, फिर ये आप घुंडी डाल दीजिए दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी अलग डिजाइन है, इससे पहले साइज आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे चैनल पर दोस्तों आपको हर बार नई डिजाइन मिलेगी, और एक नहीं इसमें आपको सीक्वेंस भी अलग बनेगा दोस्तों आज, वो भी आप देखेंगे। लेकिन आपको समझ में कब आएगा, जब पूरी चारपाई आप देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा दोस्तों। इसमें लहर भी बनेगा और अलग डिजाइन भी बनेगी दोस्तों, दोनों चीज़ आपको एक साथ देखने को मिलेगा, दो दो डिजाइन आप एक साथ देखेंगे दोस्तों आज। फूल भी देखेंगे, इसमें एक अलग फूल बनेगा और उसके साथ साथ लहर भी आप देखेंगे दोस्तों। इसमें तीन की लहर पर्टिकुलर और एक की लहर बनेगी दोस्तों, इसमें डबल लहर बनेगी, जैसे एक की रस्सी बनाता हूँ तो वो बनेगी और तीन की लहर भी बनेगी दोस्तों, वो सभी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या किया, दो रस्सी आप उठा दीजिए, फिर दोस्तों आपको एक दबानी है और फिर ये तीन रस्सी उठा देनी है, फिर आपको एक दबा कर एक उठा देनी है, फिर आपको एक दबा कर एक रस्सी उठा देनी है, फिर यहाँ पर तीन दबानी है और एक रस्सी उठा देनी दोस्तों, तीन दबाकर आपको एक रस्सी उठानी है, फिर आपको एक दबाकर दो रस्सी उठा देनी दोस्तों, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, वो
वो चीज़ आपको ध्यान रखना। फिर यहाँ पे एक रस्सी दबाकर आपको ये तीन रस्सी उठा लेनी है, फिर यहाँ पे एक दबाकर आपको एक रस्सी उठा लेनी है, फिर एक दबाकर आपको एक रस्सी उठा लेनी है, फिर यहाँ पे आपको तीन रस्सी दबाकर एक रस्सी उठा लेनी है, फिर यहाँ पे दो दबाकर आपको दो रस्सी उठा लेनी है, फिर यहाँ एक बच गई तो एक रस्सी हम दबा देंगे दोस्तों। यदि और भी आपके ज़्यादा हैं आगे तो इसी प्रकार से सीक्वेंस से आप चलते रहेंगे तो आपको डिजाइन सी हमारी बन जाएगी दोस्तों। ये लेटेस्ट डिजाइन है तो इसलिए थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, तो इसलिए मैं आपको धीरे धीरे समझा देता हूँ ताकि आप एक एक रस्सी को देखिए और समझिए दोस्तों। तो इसमें थोड़ा सा बीच बीच में स्क्रॉल भी करते रहता हूँ ताकि आप भी आसानी से समझ सकें। अब देखिए दोस्तों, तीन उठाकर फिर हमें एक यहाँ पे दबा दिए, फिर ये तीन रस्सी उठाई, फिर एक दबाई हमें एक रस्सी उठा देंगे, फिर ये तीन दबा के एक रस्सी उठाएंगे, फिर यहाँ पे तीन दबाकर आपको तीन रस्सी उठा देनी है, फिर तीन दबाई आपको तीन उठानी है, फिर एक दबाई आपको एक उठानी है दोस्तों, फिर यहाँ पे तीन दबाई एक उठाई, फिर आपको तीन दबाई और तीन रस्सी उठा देनी। देखो इस प्रकार से ये सीक्वेंस आपको चल जाएगा। इसमें देखेंगे तो आपको लहर अलग डिजाइन की बनती हुई नज़र आएगी दोस्तों, वो सभी भी आपको बताऊंगा किस प्रकार से लहर बनेगी। लेकिन दोस्तों वीडियो आपको अंत तक देखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यदि इसके अलावा आप नाम लिखना चाहते हैं चारपाई में तो उसके बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया कि नाम कैसे लिखते हैं, मोबाइल नंबर कैसे लिखते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो वो भी आप देखेंगे हमारे चैनल पर, थोड़ा सा विजिट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि नाम कैसे लिखे जाते हैं और मोबाइल नंबर कैसे लिखे जाते हैं दोस्तों। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखें अंत तक देखें और सभी पार्ट आप देखें दोस्तों, तभी आप समझेंगे। और हिंदी इंग्लिश में दोनों में मैंने नाम लिखे हैं तो वो आप समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसको स्क्रॉल भी करते रहिए, आप देखिए थोड़ा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से एक रस्सी दबा दीजिए और तीन उठानी, फिर आपको फिर ये तीन दबाकर आपको तीन रस्सी उठा लेनी दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। फिर यहाँ पर आपको तीन रस्सी दबा देनी है, फिर यहाँ पर दोस्तों आपको तीन दबाकर एक उठानी है, फिर यहाँ पर एक रस्सी दबाकर आपको ये तीन रस्सी उठा लेनी है, ये सीक्वेंस आपका चेंज हो जाएगा दोस्तों। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, फिर ये तीन दबा के एक रस्सी उठानी है, फिर ये एक दबा कर आपको तीन रस्सी उठानी है, फिर यहाँ पे आपको तीन दबा कर एक रस्सी उठानी है, फिर ये तीन दबा कर आपको दोस्तों, ये थोड़ा सा सीक्वेंस का आपको ध्यान रखना है तभी आप समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे सीक्वेंस दोस्तों, यहाँ पर एक एक का लहर बनेगा और यहाँ पर तीन तीन की पट्टी बनेगी, यहाँ पर एक की चैन बनेगी, यहाँ पर तीन तीन की बनेगी, वो चीज़ आप समझना पड़ेगा तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा दोस्तों आप नहीं समझ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको दो रस्सी, फिर ये तीन रस्सी आपको दबा देनी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लीजिए तभी आप समझ पाएंगे दोस्तों। अब थोड़ा सीक्वेंस का आपको ध्यान देना पड़ेगा तभी आप समझ पाए। यहाँ पर एक दबा कर एक रस्सी उठा लीजिए, फिर ये आप तीन दबा कर आपको एक रस्सी उठानी है, फिर यहाँ पर दो एक दबा कर दो उठानी है, फिर दो दबा कर एक रस्सी उठानी है, फिर यहाँ पर तीन दबा कर एक रस्सी उठानी है दोस्तों, फिर आप एक दबाकर आपको एक रस्सी उठा लेनी है, फिर यहाँ पे एक दबाकर ये तीन रस्सी आप उठा लीजिए दोस्तों। देखो ये आपको लहर बन जाएगी हमारी और यह सीक्वेंस भी अलग हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बता रहा था नाम के बारे में, तो नाम आप देख सकते हैं दोस्तों और बनवा सकते हैं। वीडियो के नीचे एक अंडरलाइन है, उसमें हिंदी इंग्लिश में दोनों में एड्रेस मिल जाएगा दोस्तों, आपको हिंदी में मिलेगा इंग्लिश में भी दोस्तों, तो वो आप बनवा सकते हैं दोस्तों। चारपाई यदि आपको बनवाना है तो चारपाई के नीचे एक अंडरलाइन चलती है, उसमें हिंदी इंग्लिश में मेरा एड्रेस मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कीजिए और ये चारपाई बहुत ही आसानी से बनवा सकते हैं दोस्तों। तो ये सभी आपके ऊपर है कि चारपाई आपको बनवानी है या थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप भी बना सकते हैं, या फिर आपको इसमें और भी डिजाइंस आपको मिल जाएंगी, जैसे डोकों से मुड्डा कैसे बनाया जाता है। हमारे चैनल पर जाएंगे तो उसके बारे में आपको पर्टिकुलर वीडियो मिलेगा दोस्तों कि डोकों से मुड्डा किस प्रकार से बनाया जाता है, तो वो भी आप देख लीजिए और वो भी आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से डोकों से मुड्डा बनाया जाता है, तो वो आप बना सकते हैं। या फिर दोस्तों उसमें सभी पार्ट आपको देखें, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 तक आपको मिलेगा, उसमें स्टार्टिंग कैसे करते हैं, मोहड़ी उसकी कैसे बांधते हैं, तो वो सभी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, तो वो भी आप कर सकते हैं। या और भी आप हमारे चैनल पर जाएंगे दोस्तों तो और भी आपको डिजाइन देखने मिलेगी। अब एक बात और बता देता हूँ, देखो यहाँ पर हम बनते बनते पीछे रह गए तो उसमें आटा लगा दिया, एक बार हमने ले लिया एक बार और लेंगे। यह आटा क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है दोस्तों कि इसको चारपाई हम बनते समय पीछे रह जाते हैं, तो उसको बराबर करने के लिए आटा लगाया जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको विशेषकर ध्यान रखेंगे। तो इसमें हम डाल देते हैं रस्सियाँ और ये आप रस्सी वापस से खींच लीजिए।
ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो इस प्रकार से स्क्रॉल कर लीजिए ताकि सभी रस्सियाँ बराबर हो जाए। और यहाँ इस तरफ भी आप आटा लगा सकते हैं, एक बार ले लिया और एक बार और ले लीजिए कि दोनों हमारी रस्सी बराबर चल सकें। दोस्तों ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, घुंडी का विशेष का ध्यान रखना है। और ये एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, ये रस्सी हमेशा बाहर से आएगी, ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है। थोड़ा और खींच लीजिए ताकि बराबर हो जाए हमारी, तो ये रस्सी हमारी इस प्रकार से ध्यान रखेंगे हम। तो देखो इसमें ये लहर अलग चल रही है, ये लहर अलग चल रही है, आगे आगे इसमें सिक्वेंस हमारा चेंज होता रहता है दोस्तों। अब यहाँ पे तीन रस्सी उठाकर आपको एक रस्सी ये दबा देनी दोस्तों, फिर यहाँ पे तीन रस्सी उठा लेनी है और फिर आपको ये एक रस्सी दबाकर एक रस्सी ये उठा लेनी दोस्तों, फिर यहाँ पे आपको तीन रस्सी दबा देनी है, फिर एक रस्सी उठानी है, फिर आपको तीन दबाकर ये तीन उठा लेनी दोस्तों, फिर यहाँ पे एक दबाकर आपको ये तीन उठानी है, फिर एक दबाकर आपको ये रस्सी एक उठा लेनी दोस्तों, फिर आपको तीन दबाकर एक रस्सी उठाकर तीन दबानी है, फिर यहाँ पे तीन दबाकर तीन रस्सी उठा लेनी है। तो देखो ये आपको सिक्वेंस हमारा बन जाएगा दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे तभी आप पूरी डिजाइन चारपाई बना पाएंगे। और भी आप देखेंगे खटिया के बारे में देख सकते हैं दोस्तों, यदि ये आपको खाट नहीं बनानी आती है तो खटिया होती है चौकड़ी की, पाँच कड़ी की, छह कड़ी की, आठ कड़ी की, नौकड़िया की और बारह की, उनमें मैंने सिंपल और डिजाइन सभी चीज़ आपको बताया देखने के लिए। तो यदि वो आपको बनाना आता है तो वो बना लीजिए, यदि ये आपको नहीं समझ में आता है तो दोस्तों ये गोंडियों का पिलंग बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको स्क्रॉल भी करते रहिए, या फिर बोतल में चारपाई के बारे में देख सकते हैं हमारे चैनल पे, तो वो आप देख लीजिए, तो उसको भी आपको देखने को मिल जाएगा बोतल में चारपाई कैसे बनाई जाती है। तो वो सभी बहुत सी आपको सिक्वेंस और डिजाइन देखने को मिलेगा। अब दोस्तों क्या होगा, इसका सिक्वेंस चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों देखिए ये सिक्वेंस आपको चेंज हमारा हो गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अब इसमें थोड़ा अलग ही डिजाइन आपको बनने को आएगा दोस्तों, वो डिजाइन भी कैसे बनेगा वो आप देख लीजिए। सिक्वेंस तो हर रस्सी में वैसे चेंज होता रहता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको सीक्वेंस चेंज करना है, यदि ये सीक्वेंस आपको चेंज करना है तो दोस्तों। तो थोड़ा ये रस्सी आपको घुंडी डाल देते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो वो सभी का आपको बराबर ध्यान रखेंगे तभी आप समझ पाएंगे दोस्तों, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। और ये सभी आपको दोस्तों और भी आपको डिजाइन हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, जैसे भैंस की छिक्की होती है जो पार्टरेट के लिए छिक्का बनाया जाता है, तो वो आप देख सकते हैं, या मोरी देख सकते हैं दोस्तों, गोपन देख सकते हैं आप हमारे चैनल पर, या फिर डोरमेट होते हैं वो देख सकते हैं, या हिंडी कैसे बनाई जाती है उसके बारे में अलग डिजाइन की मैंने बनाई है। एक हिंडी में मैंने ऊँट भी बनाकर दिखाया है, और वैसे चारपाई में दोस्तों हाथी, घोड़ा, मोर, ऊँट, तोता, ये सभी बनाकर दिखाए हैं, पनियारी भी, तो वो देख सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से देखिए, तीन दबाकर एक उठाई, फिर तीन दबाकर एक उठाई, फिर यहाँ पर एक दबा दी, फिर ये तीन रस्सी उठाइए, फिर एक दबाई तीन उठाई, फिर यहाँ तीन दबाकर एक उठाई, फिर तीन दबाई एक उठाई, फिर तीन दबाई एक उठाई, तीन उठाइए दोस्तों, फिर एक दबाई यहाँ पर तीन उठाई, फिर तीन रस्सी दबा दी। तो इस प्रकार से आप सीक्वेंस को बना सकते हैं दोस्तों। तो ये सभी आपके ऊपर है कि दोस्तों कैसे सीक्वेंस बनाना है। अब आगे की डिजाइंस कैसे बनेगी वो मैं आपको पार्ट टू में बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हूँगा, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।